हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कच्चे आमों से खट्टे मीठे तीखे चटाकेदार रेसिपी। आप इसे आम की चटनी, आम का अचार, हमारे यूपी में तो इसे खट मिठवा बोलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आम की रेसिपी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ 500 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं। इसका छिलका निकालकर हमें इसे छोटे टुकड़ों में काटकर इसे अच्छी तरह से धो लेना है। हमने यहाँ 400 ग्राम गुड़ ले लिया है, साथ हमने लाल सूखी मिर्च ले ली है, एक चम्मच हमने पचफोरन ले लिया है, 10 से 12 हम लहसुन की कलियां ले लेंगे, इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, एक चम्मच हमने नमक ले लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हमने जो पचफोरन लिया था उसे हम ऑयल में डाल देंगे। ये अच्छी तरह से चटकने लगे हैं। अब हम इसमें बारीक लहसुन कटे हुए डाल देंगे। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और गैस की आंच हमें मीडियम करके इसे अच्छी तरह से चटकने देना है। अब हम कटे हुए आम इस ऑयल में डाल देंगे और इसे भी हम पौने की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा जरूर। 2 से 3 मिनट तक हमें आम को भूनना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे और गुड़ डाल के भी हम इसे अच्छी तरह से पौने से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं गुड़ और आम अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। हमने गुड़ को पूरा नहीं डाला था, थोड़े से गुड़ हमने बचा लिए थे, उसे हम अभी डाल देंगे। पूरा हमने 400 ग्राम इसमें गुड़ डाला है और 1 चम्मच हमने यहाँ नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर मीडियम टू लो गैस पे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो आम हैं पके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं अभी ये कच्चे हैं और इसमें पानी भी अभी बहुत है। इसे हम फिर से ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आम भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये अच्छी तरह से गाढ़े भी हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। आप ये कच्चे आम की रेसिपी अपने घर जरूर बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कच्चे आम की ये रेसिपी कैसी हुई। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने बाउल में सर्व कर दिया। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए सुंदर ही नहीं, खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटे, तीखे, मीठे, खट्टे। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो अगर आपको भूख नहीं भी लगी रहेगी ना तब भी आप इससे 3 से 4 रोटी तो खा ही लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। अगर दोस्तों आपको ये आम की चटपटी चटनी खानी है तो अपने घर बनानी तो पड़ेगी। तो आप अपने घर ये आम की चटपटी चटनी बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।